हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निक्स में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप पेंसिल लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ जिस पोर्टल के थ्रू आप सभी राज्यों का पेंसिल लिस्ट चेक कर सकते हैं, चाहे कोई भी स्कीम हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या फिर जो भी पेंशन स्कीम है उसका सभी लिस्ट आप एक ही पोर्टल के माध्यम से सभी राज्यों का देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। तो कैसे और किस प्रकार आपको अपने मोबाइल से पेंशन लिस्ट निकालना है, इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल का URL है nsap.nic.in। जैसे ही आप अपने मोबाइल से गूगल पे nsap.nic.in टाइप करके सर्च करेंगे, डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। तो चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं कि आप इस पोर्टल के थ्रू कैसे और किस प्रकार पेंशन लिस्ट को चेक कर सकते हैं, पेंशन लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पोर्टल का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर आपको आ जाना है दोस्तों, ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का, आप देख पा रहे हैं। तो आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस इस प्रकार आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन दिखेगा स्टेट डैशबोर्ड का, देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यू करके स्टेट डैशबोर्ड दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टेट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार नया पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ से आपको अपना स्टेट यानी राज्य को सिलेक्ट करना है कि आप किस राज्य का लिस्ट देखना चाहते हैं। आप अपना राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से राज्य को सिलेक्ट कर लेता हूँ। राज्य को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्कीम टाइप भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पे स्कीम वाइज भी लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन हो गया, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन हो गया और बहुत सारा पेंशन स्कीम है। तो यहाँ से आप स्कीम वाइज भी देख सकते हैं। अगर आप ऑल स्कीम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी स्कीम का लिस्ट आ जाएगा, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांगता पेंशन। तो यहाँ पे ऑल स्कीम पे ही आपको रहने देना है, आप सभी स्कीम का लिस्ट एक ही साथ देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड मिलेगा, ये कैप्चा कोड आपको इस इंटर गिवन कोड वाले बॉक्स पे इंटर कर देना है। चलिए मैं कैप्चा कोड को इंटर कर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लिया और स्कीम टाइप में ऑल स्कीम करके छोड़ दिए हैं और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो भी इंटर कर दिए हैं। अब आपको सबमिट का बटन दिख रहा है, सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड आपको वेट करना है, आपके सामने इस प्रकार स्टेट डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। देख पाएंगे आप कि किस स्टेट में कितने बेनिफिशियरी जुड़े हुए हैं पेंशन स्कीम के थ्रू, यहाँ पे आपको टोटल बेनिफिशियरी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है, नीचे आपको अपने जिले वाइज देखने को मिलेगा कि किस जिले में कितने पेंशन लाभार्थी है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। आपको नेम वाइज लिस्ट देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट पर आपको क्लिक करना है, आप अपने जिले के नाम पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं जिले के नाम पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप जिले के नाम पे क्लिक करेंगे अब ये लिस्ट जो है ब्लॉक वाइज आ जाएगा, यानी सब डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाएगा। अब आपको सब डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी आपको अपना तहसील ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। आप देख पाएंगे तहसील ब्लॉक का लिस्ट आ जाएगा। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे सभी तहसील ब्लॉक का लिस्ट आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा कि उस तहसील में कितने लाभार्थी है। अब आपको विलेज वाइज देखने के लिए दोस्तों तहसील के नाम पर यानी ब्लॉक सब डिस्ट्रिक्ट के नेम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने ग्राम पंचायत वाइज लिस्ट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आप देख पाएंगे सभी ग्राम पंचायतों का नाम आ जाएगा उस तहसील के, और यहाँ से आपको नेम वाइज देखने के लिए ग्राम पंचायत के नेम पे आपको क्लिक करना है। जिस भी आप ग्राम पंचायत का नाम चेक करना चाहते हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों पंचायत के नाम पर तो आपके पंचायत का पूरा लिस्ट इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आप नेम वाइज देख सकते हैं, जैसे कि सेंसन ऑर्डर नंबर रहेगा, एप्लीकेट नेम रहेगा यानी लाभार्थी का नाम, लाभार्थी फादर हस्बैंड नेम रहेगा, और यहाँ पे एज रहेगा, एज और जेंडर, और कौन सी स्कीम के साथ वे जुड़ी हुई हैं, कौन सा स्कीम का लाभ उनको मिल रहा है उस स्कीम का नाम रहेगा, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखेगा दोस्तों, उनका IFSC कोड बैंक का दिखेगा, और डिस्ट्रीब्यूटमेंट मोड दिखेगा कि किस थ्रू से उनके खाते में पैसा जा रहा है, बैंक के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो अभी तो बैंक के थ्रू ही पैसा जा रहा है, अभी डिजिटल हो गया पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं PFMS में रजिस्टर्ड है या नहीं, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको अपने पूरे ग्राम पंचायत का लिस्ट देखने को मिल जाएगा, सभी लाभार्थियों का नाम आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से एक एक करके आप अपना नाम खोज सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप बेहद ही आसानी से सभी राज्यों का लिस्ट आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, सभी राज्यों का पेंशन लिस्ट आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता दिए हैं कि आपको कैसे और किस प्रकार पेंसिल लिस्ट को चेक करना है, पेंसिल लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, जय हिंद।